कोरोना वायरस, जिसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई और ये वायरस पूरी दुनिया में बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। अभी तक करीब 2500 केसेस कोरोना वायरस के देखे जा चुके हैं 27 देशों में, जिनमें से 830 लोगों की मौत भी हो चुकी है। भारत में भी केरला में कोरोना वायरस के 2 केसेस देखे जा चुके हैं और ये जो 2 केसेस हैं वो 2 स्टूडेंट्स के हैं जो वुहान शहर में पढ़ाई करते थे और जब वो वहां से भारत आए, केरला आए, तब ये पता चलता है कि उनको कोरोना वायरस हो सकता है। लेकिन अभी तक एग्जैक्ट ये कंफर्म नहीं हुआ है कि उनको कोरोना वायरस है, इसीलिए अभी उन्हें आइसोलेशन में रखा हुआ है। आपने कोरोना वायरस से जुड़ी कई सारी चीजें सुनी होंगी, कई सारे वीडियोस देखे होंगे और आपको थोड़ी बहुत ये चीजें पता होंगी कि कोरोना वायरस जो है वो चीन से उसकी शुरुआत हुई और ये जो वायरस है वो जानवरों से इंसानों में आया है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली कोरोना वायरस होता क्या है, जब कोरोना वायरस इंसानों में आ जाता है तो वो हमारी बॉडी में आखिर करता क्या है जिससे लोगों की मौत हो जाती है, और ये जो कोरोना वायरस है वो इंसानों में आया कहाँ से। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आपको कोरोना वायरस के बारे में हर एक चीज पता चल जाएगी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक वायरस आखिर होता क्या है। तो वायरस एक ऐसी चीज है जो तभी जिंदा होती है जब वो किसी होस्ट की बॉडी में चली जाती है। अब इंसानों में भी कई तरीके के वायरस होते हैं और जानवरों में भी कई तरीके के वायरस होते हैं। तो इंसानों की बॉडी में जो वायरस होते हैं, हो सकता है उनमें से कुछ वायरस कई सारे जानवरों के लिए हानिकारक हो, और जो वायरस जानवरों की बॉडी में होते हैं, हो सकता है उनमें से कुछ वायरस इंसानों के लिए हानिकारक हो। तो अब हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस आखिर है क्या। तो कोरोना वायरस जो है, सबसे पहली बार 1960 में इसे खोजा गया था, और जो कोरोना वायरस है सबसे पहले चिकन के लंग्स में पाया गया था 1960 में, और 1960 में ही जो कोरोना वायरस है वो इंसानों में भी देखा गया था। अब हम ये जानते हैं कि कोरोना वायरस का नाम आखिर कोरोना वायरस पड़ा क्यों। तो जब भी हम कोरोना वायरस को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तब जो कोरोना वायरस होता है वो हमें एक क्राउन की तरह दिखता है, मतलब कि एक सर के ताज की तरह दिखता है, इसीलिए कोरोना वायरस को उसका नाम कोरोना वायरस मिला। अब हम बात करते हैं कि जब कोरोना वायरस इंसानों की बॉडी में आ जाता है, मतलब ह्यूमन बॉडी में आ जाता है, तो वो आखिर करता क्या है। तो हमारी बॉडी में जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस लेने के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो कि हमारे नाक से शुरू होकर हमारे गले तक होता है, और दूसरा होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो कि हमारे गले से शुरू होकर हमारे लंग्स यानी फेफड़ों तक होता है। तो कोरोना वायरस जब इंसानों की बॉडी में आ जाता है तो वो सबसे पहले हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को डैमेज करता है और उसमें बीमारियों को पैदा करता है, जिसके सिम्टम्स बहुत आसान है, जिससे गला खराब हो सकता है, छींक आना, सर्दी होना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब कोरोना वायरस जो होता है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब कि गले से नीचे वाला जो हमारा पार्ट है उसको भी डैमेज करता है, जिससे आखिर होता ये है कि जो हमारा सांस लेने का जरिया है वो है हमारे नाक से लेके हमारे लंग्स तक, और अगर उस पूरे रास्ते में कोई भी दिक्कत होगी तो हम उससे अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो जो कोरोना वायरस होता है, जब वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डैमेज कर देता है, तब जो इंसान होता है, जिसको भी कोरोना वायरस होता है, वो अच्छे से सांस नहीं ले पाता, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और ऑक्सीजन की कमी से उस इंसान की मौत हो जाती है। तो कोरोना वायरस ये करता है इंसानों की बॉडी में। अब हम जान लेते हैं कि कोरोना वायरस की शुरुआत कहां से हुई। तो 31 दिसंबर 2019 को चाइना के वुहान शहर में एक मीट मार्केट में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, ऐसा अभी तक अंदाजा लगाया जा रहा है। और जो कोरोना वायरस है वो जानवरों से इंसानों में आया है, वो ऐसे क्योंकि जो चाइना के लोग हैं वो जानवरों को खाना पसंद करते हैं, वहाँ पे सांप, चमगादड़, ये सारी चीजें खाई जाती। तो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड 2 ही जानवर हैं जिनसे कोरोना वायरस आ सकता है, वो है सांप और चमगादड़। तो जब वुहान शहर के लोग चमगादड़ का सूप या सांप का मीट खाए होंगे तो हो सकता है दोनों में से किसी भी जानवर से कोरोना वायरस इंसानों की बॉडी में चला गया होगा, और जैसे ही वो इंसानों की बॉडी में गया तो इंसान के बिहेवियर के कारण वो वायरस धीरे धीरे फैलने लगा। अब हम बात करते हैं कि ये वायरस आखिर फैलता कैसे है। तो जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि बुखार, तो बुखार छूने से फैलता है, छींकने से फैलता है, खांसी से फैलता है, जो भी इंसान हमारे टच में डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है उससे फैलता है, हमारा जूठा खाना खाता है, हमारा जूठा पानी पीता है, और हम अगर उस इंसान को छूते हैं तो छूने से भी उसको बुखार हो सकता है। तो सेम ऐसे ही कोरोना वायरस स्प्रेड होता है। तो जो कोरोना वायरस है उसका अभी तक कोई इलाज नहीं ढूंढा गया है, और ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक इसलिए क्योंकि जब तक पता चलता है कि किसी को कोरोना वायरस है, तब तक वो इंसान को बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मतलब इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इसीलिए इस चीज़ को रोकने के लिए चाइना की गवर्नमेंट ने
वुहान शहर से किसी को भी निकलना या फिर वुहान शहर में किसी को आना पूरी तरह से बंद कर दिया है। इंडिया में भी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ भी कई डिटेक्टर्स लगाए गए हैं, जिनमें से अगर किसी भी इंसान की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से ज़्यादा है तो उनको तुरंत आइसोलेशन में डाल दिया जाता है। तो अब आपको ज़रूर पता चल गया होगा कि आखिर कोरोना वायरस होता क्या है और हमारी बॉडी में वो करता क्या है। अब आप किसी को भी ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया जानने को मिला, और अगर आप ऐसी आगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको जानना है कि अगर हमारी धरती में ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती या इस ब्रह्मांड में ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती तो आखिर होता क्या, तो आप इस वीडियो को देखें। और अगर आपको जानना है कि माउंट एवरेस्ट कैसे बना या फिर इस दुनिया में पहाड़ कैसे बनते हैं तो आप इस वीडियो को देखें। जब तक कोई अगली वीडियो नहीं आ जाती तब तक के लिए आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।